हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड थर्ड के और जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक फोर्थ के नाम से भी पढ़ाया जाता है कुछ ब्रांचेस में, उससे रिलेटेड यूनिट वन जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके यूनिट वन को हम स्टडी कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर हमने इससे पहले डिस्कस किया था, वो ग्रुप में शेयर किया हुआ, वो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था उसे एक बार फास्ट ट्रैक में रिपीट करते हैं, जिससे कि दोनों लेक्चर का लिंक बन जाए और आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे आज का लेक्चर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जाना था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन थी एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जाना था कि किसी भी इक्वेशन को जिसमें कि पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल वाई या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये और या और भी कोई डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो थ्री टाइम फोर टाइम, तो ऐसी इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया था ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम पी से डिनोट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्यू से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसे हम आर से, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसे हम टी से डिनोट करते हैं और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को एस से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इन्हें मोंगेज नोटेशन भी कहा जाता है, मीन्स मैथमेटिशियंस के आलस्य का सिंबल है और कुछ नहीं है। आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव z का x के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो डेल z अपॉन डेल x ना लिखकर शॉर्ट में उसे p लिख दिया जाता है, डेल z अपॉन डेल y को q, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन। नेक्स्ट फिर हमने जाना था कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें जैसे किसी पर्सन को डिफाइन करना है तो बताना है, इससे मिले थे, तो उसके लिए हमें बताना पड़ता है कि उसका नेम क्या है उसका सरनेम क्या है, यानी कि एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए नेम और सरनेम दोनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसकी ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का डेफिनेशन लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ऑर्डर मतलब होता है हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन इक्वेशन, जो भी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसमें मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव हो रहा है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, मैक्सिमम हाईएस्ट कितने टाइम डेरिवेटिव हो रहा है। और डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, इट इज द डिग्री या पावर, डिग्री और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई देगा उसकी जो पावर होगी उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और ये हमारी इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा जाए तो पहले तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं वो जान लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व करता हो पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इनमें से कोई भी टाइप का पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम देख रहे हैं यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, तो ये यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है तो ऑर्डर मतलब मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना है, दो बार, तो इसका ऑर्डर हो गया टू। डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाली टर्म है इसमें सब टू टाइम डेरिवेटिव, इसकी पावर जो बनेगी वो डिग्री, दैट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की
एंड सॉरी थर्ड डिग्री की एंड सेकेंड ऑर्डर की, जितना मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है वो ऑर्डर होगा ना, तो टू टाइम मैक्सिमम डेरिवेटिव तो ऑर्डर हो गया और उसकी पावर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बचे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने टॉपिक डिस्कस किया था लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके लिए हमने तीन बातें जानी थी कि लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए। कि लीनियर होने के लिए पहली बात कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने चाहिए, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये इन्वॉल्व, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी ये पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर के हैं उनकी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसकी पावर यानी कि डिग्री जो है वो वन होनी चाहिए, डिग्री वन होनी चाहिए। और थर्ड बात ये थी कि जेड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी कितने डिग्री में हो, वन डिग्री में हो, और ये मल्टीप्लाई में ना हो, जो डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट ऑर्डर वाले ये मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों इनटू में नहीं आना चाहिए। तीन बातें अगर सेटिस्फाई होती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो जाती है। फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि डिफरेंशिएशन सिर्फ वन टाइम हो, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल वाई इन्वॉल्व हो, यानी कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई भी आ रहा है, डेल वाई स्क्वायर ये भी आ रहा है, ऐसा नहीं, सिर्फ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। दूसरा साथ ही साथ ये हो कि उनकी जो पावर है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की पावर और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड की पावर, यानी कि उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, वन, उनके ऊपर पावर वन ही होनी चाहिए। तीसरा ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कहीं पर भी प्रोडक्ट में नहीं आनी चाहिए। अगर ये तीन बात सेटिस्फाई होती है तो इक्वेशन लीनियर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम बात करें डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन जेड साइन जेड ई टू द पावर जेड जेड ई टू द पावर एक्स, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का इन्वॉल्व है, सेकेंड या थर्ड टाइम या किसी हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉरी जो भी डेरिवेटिव है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की या डेरिवेटिव की पावर है वो यहाँ पर हमारी क्या है, वन है, लीनियर है, वन डिग्री की है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर वन है। तो अगर ऐसा है कि हमारे जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर्स वन इन हो तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। और नॉन लीनियर कौन सी होती है, जो लीनियर ना हो, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की अगर है डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी डिग्री है वो पावर जो है वो वन नहीं है, टू आ रही है, तो इसलिए नॉन लीनियर। अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना डिस्कस कर रहे थे, या इसी का दूसरा नाम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे हम किसी भी इक्वेशन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं वो हमने डिस्कस किया था कि दो मेथड हैं, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट किया था, टॉपिक स्टार्ट किया था बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाए। इसमें से भी हम इसके दो केस डिस्कस कर चुके थे, केस फर्स्ट जब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, जो रिलेशन दिया उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेस देन हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उसके लिए हमने केस फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि क्या करना होता है जब भी हमें गिवन रिलेशन है और उसके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को कहे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए, तो सबसे पहला काम हमें उसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लेना होता है जो इक्वेशन गिवन है। दूसरा जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास टोटल थ्री इक्वेशन बन जाती हैं और उनकी हेल्प से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी को एलिमिनेट कर देना होता है। हाँ, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, मान लो इसका ये कह रहा है इफ दिस ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए,
ए को एलिमिनेट करते हुए यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। तो जो हमने स्टेप्स या मेथड डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम, जो इक्वेशन हमें गिवन है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, इसको वन कंसिडर कर लेना है इक्वेशन नंबर वन। फिर इसको हमें पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स एंड वाई के। तो जब हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड डेरिवेटिव किए करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बनेगा, और इधर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि एक्स का वन हो जाएगा और ए कॉन्स्टेंट इन टू मैज इट इज, और वाई का जीरो, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव यही तो पढ़ा था कि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़कर बाकी वेरिएबल क्या रहकर ट्रीट किए जाते हैं, कॉन्स्टेंट। तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर वाई कॉन्स्टेंट होगा, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, जीरो। तो ये टर्म यहाँ पर प्लस जीरो आ जाएगा, तो ये वैल्यू बने। और इसी को अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन वन का, तो वाई के रेस्पेक्ट में करने पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट है ही, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, और प्लस वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन टू बन जाएगी, और ये हमारे पास थ्री। फिर हमने स्टेप्स में डिस्कस किया था कि पहला स्टेप इक्वेशन वन कंसिडर करते थे गिवन इक्वेशन को, दूसरा स्टेप एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ए या आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो भी बी या ए दिया हुआ है उनको एलिमिनेट करना होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वेशन थ्री में तो ऑलरेडी ए इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब एक तो ये ही इसकी बन गई क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू इक्वल टू वन, तो एक तो ये बन गई इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन टू में है, इसको हम वन में यूज करें तो फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू की हेल्प से ए की वैल्यू जब यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, या जेड इज इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई। ये भी इसकी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई क्योंकि इसमें भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ये केस बने, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम रह जाए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे जेड की वैल्यू एक्स और वाई में है, तो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ दो हैं, पर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हैं क्वेश्चन के अंदर जिन्हें एलिमिनेट करना है, सिर्फ एक ए। तो जब ये वाला केस बनता है तो हमेशा हमारे पास जो इक्वेशंस बनती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की बनती हैं, दैट मीन्स उसमें डेरिवेटिव मैक्सिमम वन टाइम होता है और वो मल्टीपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती हैं, जैसे यहाँ पर दो बन रही। फिर हमने केस सेकंड के बारे में डिस्कस किया था, जब नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन हमारे पास है कि फोर जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके लिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी, ए और बी को एलिमिनेट करते हुए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास z की वैल्यू दो वेरिएबल की फॉर्म में, x और y की फॉर्म में, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हैं यहाँ पर, a और b, वो भी दो हैं। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम बनी, और इसमें हमने डिस्कस किया था इसका आंसर हमेशा एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर की ही बनती है। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग पहले स्टेप में हमें इसे गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में, जैसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में इधर आ जाएगा ए, और एक्स के रेस्पेक्ट में इस टर्म का करेंगे तो इसमें तो वाई आ रहा है और बी भी कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और ये दोनों भी कॉन्स्टेंट है, ये भी जीरो। तो यहाँ से हमें पार्शियल डेरिवेटिव करने पर मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए। और अब अगर हम इसी को इक्वेशन वन को ही पार्शियल डिफरेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए और एक्स कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और इसका हो जाएगा बी, और ये दोनों जीरो। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री मिल गई। अब मेथड के अकॉर्डिंग जो हमने प्रोसेस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को रिमूव करना होता है, जो इक्वेशन बन जाती है वही रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं इक्वेशन टू से ए की और इक्वेशन थ्री से बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसे वन में यूज कर लेंगे। तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री एलिमिनेट कर देंगे, नेटिंग ए एंड बी, ए और बी को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि ए और बी की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो जेड इज इक्वल टू ए की जगह पर आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस बी की जगह पर यहां पर आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, प्लस इसमें भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। और आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था डेल जेड अपॉन डेल एक्स को किससे डिनोट करते हैं, पी से, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू से। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर था यानी कि पी स्क्वायर, और ये प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब तक हमने ये दो केसेस डिस्कस किए थे, जब नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लेस हो, और दूसरा केस था नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम थर्ड और फोर्थ केसेस के डिस्कस करेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ग्रेटर होंगे किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो ऐसा एक हम थर्ड केस और इसका डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अब हम केस थर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि केस है व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो इक्वेशन हमें दी गिवन है जिसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा हो तो देन वी गेट मल्टीपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। ऐसे केस में हमें एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और वो सभी किस ऑर्डर की होंगी, ऑर्डर वन की। ऑर्डर मैंने बताया था अभी कि मैक्सिमम जितने टाइम डेरिवेटिव होता है, तो वन ऑर्डर की है इसका मतलब उसमें एक ही बार डेरिवेटिव दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बनेंगी। तो इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर देते हैं, एलिमिनेट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन दिस टू गेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और कैसे, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए बी सी को एलिमिनेट करते हुए या रिमूव करते हुए। तो प्रोसेस मैंने बताया था, स्टेप वन में हमें जो गिवन इक्वेशन है उसे इक्वेशन वन कंसिडर करना होता है, स्टेप टू में हमें क्या करना होता है पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है, partially differentiate one with respect to x and y. जब हम x के रेस्पेक्ट में partial derivative करेंगे तो ये del z upon del x is equal to, यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a आ जाएगा, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y constant रहेगा और b भी constant, तो term ही total constant, इसका derivative zero। इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आपका c और y constant है, तो कांस्टेंट जब भी प्रोडक्ट में होता है डेरिवेटिव करते समय वो एज इट इज आ जाता है और इनटू में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाता है, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन। तो यहाँ से हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी कि पी से हमें इसे डिनोट करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स को, वो हमने रिप्लेस कर दिया तो पी इक्वल टू मिल गया ए प्लस सी वाई, या पी लिख लो या डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही लिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर टू हमें मिल गई। नेक्स्ट फिर अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करें y के रेस्पेक्ट में इक्वेशन वन को पार्शियली, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, a b कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन इसका जीरो, y के रेस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं तो b कांस्टेंट और इनटू में y का डेरिवेटिव वन, फिर प्लस जब इस टर्म का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो c और x तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू में एज इट इज आ जाएगा और y का वन, इट मींस यहां से हमें डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू मिल जाती है जो कि किसके इक्वल बनी है यहाँ पर, b प्लस सी एक्स। ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इन तीनों इक्वेशन से अब तक हम यही करते आ रहे थे कि इक्वेशन वन टू और थ्री ये जो बनती थी थर्ड स्टेप में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इन तीनों की हेल्प से ए बी सी को एलिमिनेट करना होता था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आसानी से यहाँ से ए बी और सी एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या करना होगा, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट टू एंड थ्री टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड थ्री विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो अगर हम ऐसा करें टू से
डिफरेंशिएट जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली, तो यहाँ पर बनेगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो। इसका करेंगे तो ये वाई कॉन्स्टेंट है, इसका भी क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से हमें डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन मिल जाएगी। और देख सकते हैं इसमें कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए बी सी तीनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं। तो एक रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारी ये बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम थ्री को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू किसके करना था, थ्री को वाई के। तो जब हम थ्री को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, वाई के। तो ये भी कांस्टेंट रहेगा और ये भी, डेरिवेटिव दोनों के जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये भी मिल गई, क्योंकि इसमें भी आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी इसका एक आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये केस बन रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो है वो नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट यहाँ पर कितने हैं थ्री, वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जेड की वैल्यू जिन वेरिएबल्स की फॉर्म में है, दो वेरिएबल की फॉर्म में एक्स और वाई, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ दो हुए। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट थ्री थे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू थे, यहाँ पर ये ग्रेटर बन रहा था इससे, तो हमने यहाँ पर रिजल्ट डिस्कस भी किया। इस केस में हमारे पास वी गेट मल्टीपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन, ऑर्डर ग्रेटर देन वन, एक से ज्यादा ऑर्डर। तो यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर की बनी है, तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो गया। तो टोटल ये थ्री सिचुएशंस या केसेस पॉसिबल थे, वो हमने उसके केसेस को यहाँ पर डिस्कस किया। तो एक एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2005 में पूछा गया था, AKTU में 2005 में पूछा गया था, और CCS में, CCS यूनिवर्सिटी में जो है ये 2011 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस वन विद सेंटर एट जेड प्लेन। ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऐसे स्फीयर की फाइंड आउट करनी है जो कि रेडियस वन का हो और सेंटर कहां पर रखता हो, जेड प्लेन में रखता हो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस स्फीयर की इक्वेशन चाहिए होगी जिसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो स्फीयर की इक्वेशन चाहिए होगी। तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर स्फीयर का सेंटर एक्स वन वाई वन जेड वन है तो स्फीयर की जो इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये स्फीयर की इक्वेशन होती है अगर सेंटर पता है और रेडियस पता है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि सेंटर जेड प्लेन में है, ठीक है, यानी कि सेंटर का जेड प्लेन में होने से ये पता चलता है सेंटर अगर हमारे पास जो इक्वेशन है उसका जेड प्लेन में है तो इससे ये पता चलता है कि उसके लिए जो जेड प्लेन में अगर है तो जेड प्लेन में हमारा एक्स और वाई क्या रहता है, जीरो रहता है। एक्स और वाई क्या रहता है, जीरो रहता है। तो ऐसे स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर कहां पर हो, एक्स वाई प्लेन में, सॉरी एक्स वाई प्लेन में। क्वेश्चन ये था एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में अगर सेंटर है तो एक्स वाई प्लेन में हम जानते हैं कि क्या जीरो होता है, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर सेंटर है तो इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ तो होंगे। तो हमने मान लिया सेंटर जो है वो इज एच कॉमा के कॉमा जीरो, क्योंकि ऐसे स्फीयर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना जिनका सेंटर एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है और कहीं पर भी हो सकता है सेंटर। तो हमने मान लिया एच कोमा के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा और रेडियस वन दी है। तो स्फीयर की इक्वेशन हमारी इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो टू द होल स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर इक्वल टू वन। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई जिसके लिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं h और k आर्बिट्री कांस्टेंट है क्योंकि सेंटर में h और k तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है दो आर्बिट्री कांस्टेंट को
एलिमिनेट या रिमूव करते हुए, एच को और के को एलिमिनेट करते हुए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो भाई इसके लिए हम क्या करें, फिर इसको हम फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। मेथड बताया था, पहले गिवन इक्वेशन को वन इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, फिर पार्शियली क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो जब हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर, और ये कॉन्स्टेंट है इसका तो जीरो ही हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने बताया ना पावर देखें, तो पावर देखते ही फंक्शन का डेरिवेटिव करना तो जी ललचा रहा ना जाए, पावर फार्मूला लगाएं डिफरेंशिएशन का। क्या होता है पावर फार्मूला डिफरेंशिएशन का, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस वन, तो वही यहाँ लगा देंगे, इसका डेरिवेटिव पावर इन टू में आ जाएगी और पावर में से वन माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इन टू में फिर इस बेस का भी डेरिवेटिव आएगा इसका, सिर्फ एक्स माइनस एच का, x माइनस एच का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कितना है वन। अब इसका करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के, पर पार्शियल डेरिवेटिव है तो पार्शियल डेरिवेटिव तो ये कहता है ये पार्शियलिटी करता है, अपने अलावा सबको कांस्टेंट मानता है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x तो इसमें है ही नहीं, यानी कि ये फिर तो कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है जीरो के। अब यहां पर करना है z स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखें यहां पर z स्क्वायर का जब z के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि z फंक्शन हो है यहां पर x और y का, क्योंकि तीन वेरिएबल है तो किसी एक की वैल्यू तो निकलेगी ना बाकी दो की फॉर्म में, दैट मींस जिसकी वैल्यू निकलती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी फॉर्म में आती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड नोटेशन ही है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में z डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि z x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसलिए कॉन्स्टेंट नहीं होगा, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हो सकता है कॉन्स्टेंट जीरो नहीं आएगा। तो इसका डेरिवेटिव पावर फॉर्मूले से करेंगे 2z आएगा, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग z का भी होगा डेल z अपॉन डेल x, और इधर हमारा जीरो। अब यहां से 2 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस एच, और ये इसको इधर ले जाते हैं, माइनस z डेल z अपॉन डेल x वैल्यू बन जाती है, डेल z अपॉन डेल x को हम चलो अभी इक्वेशन 2 इसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम अगेन इसी को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू किसके, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई के। जब हम वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इस बार इसका, तो ये वाली टर्म में वाई नहीं है तो पार्शियलिटी के कारण वाई नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा और डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो। इस वाली टर्म का जब करेंगे वाई माइनस के होल स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में, तो पावर रूल से पावर इन टू में आ जाएगी, और वाई माइनस के इन टू में फिर वाई माइनस के का होगा डेरिवेटिव वो वन, फिर प्लस अब जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव भी करना है y के रेस्पेक्ट में, तो बताया था ना जेड तो x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर रूल से पहले 2 इंटू में आ जाएगी पावर इंटू z, और फिर z का होगा y के रेस्पेक्ट में डेल z अपॉन डेल y, और इधर कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो। अब यहां से अगर हम देखें तो y माइनस k की वैल्यू हमें मिल जाती है किसके इक्वल, माइनस जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहां से ये अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 की हेल्प से हम एच और के को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, जिससे कि रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 से हमें एक्स माइनस एच की वैल्यू मिल जा रही है माइनस जेड, और इसको हम पी से डिनोट करते थे माइनस जेड इंटू पी, और इससे हमें y माइनस के की वैल्यू मिल जा रही है माइनस जेड, इसको q से डिनोट करते थे माइनस जेड इंटू क्यू। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख देंगे और h और k से छुटकारा पा जाएंगे, और यही एलिमिनेट करना ही करने से ही हमें क्या मिलती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यूजिंग 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, जैसे ही हम 1 में ये वैल्यू यूज करेंगे x माइनस एच की जगह पर माइनस जेड पी रखेंगे, तो माइनस जेड पी स्क्वायर, और y माइनस के की जगह पर माइनस जेड क्यू, तो ये माइनस जेड क्यू टू द होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से जेड स्क्वायर कॉमन, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें कि आपको इक्वेशन गिवन नहीं थी, पहले लैंग्वेज से इक्वेशन बनाई और उसके बाद फिर उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमें आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करते हुए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो। करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अब हम फॉर्मेशन करेंगे यानी कि ओरिजिन करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। यानी कि आर्बिट्ररी फंक्शन इन्वॉल्व होगा इक्वेशन के अंदर कोई। आर्बिट्ररी फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो पता तो होगा कि फंक्शन किस वेरिएबल का है, पर फंक्शन क्या है, साइन है का, कोस का फंक्शन है, टेन का फंक्शन है, वो नहीं पता होगा। तो ऐसे फंक्शन को हमें एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन एफ। तो इसमें अगर हम देखें तो ये तो पता है इस यहाँ पर कि एक्स इंटू वाई की फॉर्म में है फंक्शन, पर फंक्शन क्या है, साइन एक्स इंटू वाई है, कॉस इंटू एक्स वाई है, लॉग ई की पावर एक्स वाई है, या टेन ई एंगल के अंदर x इंटू वाई है, tan इनवर्स x इंटू वाई है, पता नहीं है ना। फंक्शन साइन फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कुछ पता नहीं है। हाँ ये पता है फंक्शन x इंटू वाई के जैसी टर्म है उसके अंदर। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे यहाँ पर, आर्बिट्ररी, क्योंकि पता नहीं है, कुछ तो होगी वैल्यू पर, फंक्शन एक्स वाई का पर क्या है ये नहीं पता। तो ऐसे आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करते हुए हमें यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, यहाँ पर सबसे पहले गिवन जो इक्वेशन है उसको हमें वन इक्वेशन नंबर कंसीडर कर लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद फिर पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है उस इक्वेशन वन को, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी, एक एक्स से मिल जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल करने पर, और एक वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करने पर आ जाएगी। इनको इक्वेशन टू और थ्री कंसिडर कर लेना है। नेक्स्ट फिर हमें इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से, ये जो तीन इक्वेशंस बनी है इनकी हेल्प से हमें एलिमिनेट कर देना होता है आर्बिट्ररी फंक्शन जो हमारे इक्वेशंस में बन रहा है, यानी कि एफ को एलिमिनेट कर देना होता है और हमें रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन एफ। तो जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें जो इक्वेशन z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन है इसे इक्वेशन वन कंसीडर। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना होगा, इसमें स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इधर आएगा डेल z अपॉन डेल x, इधर x के रेस्पेक्ट में करेंगे x का वन आ जाएगा। x के रेस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं तो y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो x इंटू वाई का है, पर क्या फंक्शन है वो नहीं पता। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, भैया आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, अगर f फंक्शन होता है x का तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसे f डैश x लिखते हैं, यानी कि जिसका फंक्शन है जब उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डैश आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करें पर फंक्शन खाली x का नहीं, x इंटू वाई का है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले x इंटू वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा f डैश x y, और फिर x इंटू वाई का डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट। ठीक है, ये वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैंने बताया था नोटेशन क्या लिखते हैं, पी ये वन, ये प्लस क्या बना एफ डैश एक्स वाई, और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियली मतलब क्या करना है, ये पार्शियलिटी करेगा, यानी कि एक्स के अलावा कुछ है तो उसे कॉन्स्टेंट मानकर करेंगे यहाँ डेरिवेटिव। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करें, वाई कॉन्स्टेंट है, तो जब आपको कहा जाए कि टू वाई टू एक्स का डेरिवेटिव करो तो आप डिफरेंशिएशन आज से पहले जो 12th क्लास में कर था कैसे करते थे, कांस्टेंट को बाहर फेंक देते थे सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कांस्टेंट को उन्हें पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं तो वाई वाई बाहर चला जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव इनटू में एक्स के रेस्पेक्ट में वन आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमें ये वैल्यू बन गई, पी इक्वल टू ये वैल्यू बन गई। अब अगर हम अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू
इस बार किसके करें, वाई के। तो जब हम इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इधर आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में करें तो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट आएगा एक्स, इसका डेरिवेटिव जीरो, प्लस ये वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वन, प्लस इसका वाई के रेस्पेक्ट में करना है पर चेन रूल से पहले एक्स वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो हो जाएगा एफ डैश एक्स वाई, फिर इंटू में वाई के रेस्पेक्ट में होगा एक्स इंटू वाई का। ठीक है, अब यहां से डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैंने बताया था आपको नोटेशन क्या होती है, क्यू इक्वल वन प्लस एफ डैश एक्स वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कॉन्स्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और बचा अंदर वाई, वाई के रेस्पेक्ट में वाई का हो जाएगा वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक ये टू और ये थ्री। अब इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें एफ को एलिमिनेट करना है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसमें एफ एफ की शक्ल में है, यहाँ एफ नई शक्ल पैदा कर लिया एफ डैश, यहाँ पर शक्ल एफ डैश है, तो एलिमिनेट करना आसान हो जाता तीनों में जब एक ही जैसे फॉर्मेट में फंक्शन एफ हो। तो यहाँ पर दो ही जगह सेम फॉर्मेट में, इसमें और इसमें, तो इन दोनों में से एलिमिनेट करना एफ को हटाना आसान होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख लेते हैं, इसको उधर ले जाएं, तो p माइनस वन इज इक्वल टू y इंटू एफ डैश एक्स वाई, लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर टू। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें से हम q माइनस वन इज इक्वल टू निकालें तो वो क्या बनेगा, x इंटू एफ डैश एक्स इंटू वाई, इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमें करना क्या था, फंक्शन f की शक्ल जैसी भी है उसे f से छुटकारा पाना है। तो ये इन दोनों इक्वेशन से हम जान रहे हैं, देख पा रहे हैं एफ हट जाएगा अगर इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन थ्री कर दें तो हमें क्या वैल्यू बनेगी, ऊपर बनेगा पी माइनस वन, नीचे बनेगा क्यू माइनस वन, और ये वाई एफ डैश एक्स वाई, और ये बनेगा एक्स एफ डैश एक्स वाई। तो देख सकते हैं ये दोनों टर्म तो कैंसिल, इधर बना p माइनस वन अपॉन क्यू माइनस वन इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, या इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो p माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस वाई वन इंटू वाई, या पी एक्स माइनस क्यू वाई और इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये रिक्वायर्ड हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन की आर्बिट्री फंक्शन एफ को एलिमिनेट करते हुए, ये प्रोसेस। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट ना होकर दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऐसी इस ऐसा एक एग्जांपल जिसमें कि आर्बिट्री फंक्शन हमारे पास दो होंगे। लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन एग्जांपल में हमने देखा था आर्बिट्री फंक्शंस दो, हमारे पास सिर्फ एक ही था एफ जिसे एलिमिनेट करना था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो थे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास ज़्यादा हो, आर्बिट्री फंक्शन कम हो, तो हमेशा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की बनती है। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था उसमें हमें p और q की फॉर्म में इक्वेशन बनी थी, यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव था डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y, तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी जब आर्बिट्री फंक्शन की संख्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कम हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ x और y दो थे और आर्बिट्री फंक्शन सिर्फ एक ही था f, तो इसलिए वहाँ पर ऐसे केस में फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बनी। यहाँ पर हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं जिनको एलिमिनेट करना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो ही हैं जिनके फॉर्म में जेड की वैल्यू है एक्स और टी की फॉर्म में, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमेशा सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो देखते हैं कैसे बनती है, प्रोसेस वही है। सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लेना होता है, इसे इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर जेड की वैल्यू किस किस की फॉर्म में, एक्स और टी की फॉर्म में, तो एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे और बाद में फिर टी के रेस्पेक्ट में भी।
तो जैसे ही हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी बताया चेन रूल कहता है फंक्शन जिसका है पहले उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, भले ही किसके रेस्पेक्ट में भी कर रहे हो, पर फंक्शन अंदर जिसका है उसके रेस्पेक्ट में होगा, फिर उसका जिसके रेस्पेक्ट में कह रहा है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू में किया जाता है। तो यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन डायरेक्ट एक्स की फॉर्म में नहीं है, एक्स प्लस आई टी की फॉर्म में है, तो पहले एक्स प्लस आई टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो एक्स प्लस आई टी का ही फंक्शन है, एक्स प्लस आई टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ डैश एक्स प्लस आई टी। ठीक है, अभी बताया था ना 12th क्लास में आपने पढ़ा था एफ एक्स अगर एक्स का फंक्शन है डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते तो एफ डैश एक्स, जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में करें तो एफ डैश। तो ऐसे यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले डेरिवेटिव जिसका है उसके रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि एक्स प्लस आई बाई आई टी के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश आ जाएगा। फिर इनटू में इसका भी डेरिवेटिव होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका, एक्स प्लस आई टी का। ठीक है, फिर प्लस इसी तरीके से यहाँ पर डेरिवेटिव करना है हमें इस टर्म का भी एक्स के रेस्पेक्ट में, पर ये डायरेक्ट एक्स की फॉर्म में नहीं है, किसकी फॉर्म में वैल्यू है फंक्शन की, एक्स माइनस आई टी की फॉर्म में। तो पहले जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स माइनस आई टी के रेस्पेक्ट में तो जी डैश एक्स माइनस आई टी आ जाएगा, फिर इनटू में एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा एक्स माइनस आई टी का पार्शली। अब ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बना एफ डैश एक्स प्लस आई टी, और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा वन, पार्शल कर रहे हैं, और यहाँ पर टी है ये, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पार्शल डेरिवेटिव है तो पार्शल टी करेगा, एक्स के अलावा जो वेरिएबल है उसको कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, तो टी कॉन्स्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ इसका वन और ये जीरो, वन प्लस जीरो कितना आएगा, यहाँ वन आ जाएगा। फिर प्लस जी डैश एक्स माइनस आई टी, अब इसका भी x के रेस्पेक्ट में करना है तो सेम x के रेस्पेक्ट में इसका x का इस वाले टर्म का x का 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो t कांस्टेंट रहेगा उसका डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमें डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इक्वेशन 1 का ही पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करें, y के रेस्पेक्ट में करें, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियली डिफरेंशिएट जब हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा डेल जेड अपॉन डेल वाई, और इसका कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में तो पहले एक्स प्लस आई टी के रेस्पेक्ट में होगा, एफ डैश एक्स प्लस आई टी, सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में नहीं, सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें टी है एक्स और टी के रेस्पेक्ट, ये थोड़ा गौर करना है भाई, क्योंकि यहाँ पर जेड की वैल्यू जिन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फॉर्म में होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव उन्हीं के रेस्पेक्ट में किया जाता है, तो जेड की वैल्यू एक्स और टी की फॉर्म में है तो एक्स और टी के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं अब टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी के रेस्पेक्ट में जब इसका करेंगे तो एक्स प्लस आई टी के रेस्पेक्ट में किया एफ डैश एक्स प्लस आई टी, अब इनटू में एक्स प्लस आई टी का भी होगा तो एक्स का तो हो जाएगा जीरो और आई टी का हो जाएगा आई, तो ये वैल्यू आई है। ऐसे इसका करेंगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे पहले x माइनस आई टी के रेस्पेक्ट में होगा तो x जी डैश एक्स माइनस आई टी आएगा, फिर x माइनस आई टी का होगा इनटू में t के रेस्पेक्ट में तो x का जीरो हो जाएगा, और माइनस आई टी का करेंगे t के रेस्पेक्ट में i इंटू टी का t के रेस्पेक्ट में वन, तो जीरो माइनस आई यानी कि ये वैल्यू माइनस आई इंटू में हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन 3 बन गई है, तो देखा जाए तो यहाँ से सॉल्व करना फंक्शन को मुश्किल काम है, इन तीन इक्वेशन से काम नहीं चलेगा सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर आपको अब जो टर्म्स एलिमिनेट करनी है वो अलग अलग फॉर्म में है जहाँ से एलिमिनेट होना मुश्किल है। मान लो इन दोनों से सॉल्व करके एफ डैश और जी डैश आप निकाल भी लेते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, मुझे तो एफ हटाना है जिस भी फॉर्म में, तो यहाँ से एफ डैश और जी डैश अगर सॉल्व करके निकाल भी लेते हैं तो उसको इसमें अगर रखना चाहें तो रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एफ और जी है, अगर यहाँ f और g की वैल्यू निकल जाती है और इसमें रख देते तो f एलिमिनेट हो जाता, दैट मीन्स इन तीन इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, अभी और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इट मीन्स इसको अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं z के x के रेस्पेक्ट में, फिर से करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा f, फिर से डेरिवेटिव x प्लस आई टी के रेस्पेक्ट में होगा, f डबल डैश x प्लस आई टी, फिर इंटू में x प्लस आई टी का 1, इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में फिर से तो g डैश पहले x माइनस आई टी के रेस्पेक्ट में होगा जी डैश एक्स माइनस आई टी, फिर इंटू में x माइनस आई टी का x के रेस्पेक्ट में होगा 1, तो ये वैल्यू हमारी क्वेश्चन नंबर 3 बन जाती है। ठीक है।
ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का हमें यदि रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही थी ना, एलिमिनेट ही कर पा रहे थे हम फंक्शन को, तो इसलिए अगेन डेरिवेटिव करना पड़ा। ऐसे यहाँ पर भी अगेन डेरिवेटिव करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो पहले बनेगा एक्स प्लस आई टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो डैश आएगा एक्स प्लस आई टी, और इन टू में फिर इसका डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और इसका आई टी का आई, और एक आई पहले से था तो आई स्क्वायर माइनस आई, इसका करेंगे आई के टी के रेस्पेक्ट में, तो एक और डैश आएगा जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, और फिर एक्स माइनस आई टी का फिर से टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा जीरो, और इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक और माइनस आई आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगी दोनों में से, यहां पर भी माइनस माइनस प्लस, और आई इंटू आई आई स्क्वायर, ये बना एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी, और ये प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं ये टर्म एज इट इज यहां इक्वेशन नंबर थ्री में दिख रही है, तो हम इक्वेशन थ्री को अगर हम यहां पर यूज कर लें तो आई स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस वन होती है, आल्टा स्क्वायर हर कोई जानता होगा, और ये टोटल वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री से किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के, यहां पर यूज किया हमने इक्वेशन नंबर किसका, थ्री का। ठीक है, तो अब इसको एक साइड ले जाए तो इक्वेशन बन गई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और यहाँ कोई आर्बिट्री फंक्शन एफ या जी अब आ भी नहीं रहा, वो भी एलिमिनेट हो चुका है, तो ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार फास्ट ट्रैक में फिर से डिस्कस करते हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा आर्बिट्री फंक्शन एफ और जी इन्वॉल्व थे, तो इसलिए हमने सबसे पहले प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसे इक्वेशन वन माना, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक बार, तो ये इक्वेशन बनी, फिर वाई के टी के रेस्पेक्ट में किया एक बार तो ये बनी इक्वेशन नंबर, पर इन दोनों से एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है फंक्शन को, तो हमने अगेन डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में भी और टी के, और उसके बाद देखा तो ये जो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसमें फंक्शन एज इट इज वही वैल्यू बन गई जो थ्री में आ रही थी, इसको यूज कर लिया और हमारा ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब कभी भी आर्बिट्ररी फंक्शन की संख्या किसके इक्वल हो, हमारे पास आर्बिट्ररी फंक्शन उतने ही हो जितने की आर्बिट्ररी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, जैसे यहाँ पर बन रही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, अब कल से हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। आपके सिलेबस में लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों का सॉल्यूशन है, तो पहले हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो आपके सिलेबस में है लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो स्टडी करेंगे।